हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो का पहला पार्ट पुमा द माउंटेन लोइन देखा होगा। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो के पार्ट 4 को शुरू करते हैं। पुमा वर्सेस वुल्फ। व्रिक या भेड़िया एक कुत्ते के रूप का जंगली जानवर है। वैज्ञानिक नजरिए से भेड़िया कैनेडाई पशु परिवार का सबसे बड़े शरीर वाला सदस्य है, और किसी जमाने में भेड़िये पूरे यूरेशिया, उत्तर अफ्रीका और उत्तर अमेरिका में पाए जाते थे। लेकिन मनुष्यों की आबादी में बढ़ोतरी के साथ अब इनका क्षेत्र पहले से बहुत कम हो गया है। जब भेड़ियों और कुत्तों पर अनुवांशिकी अध्ययन किया गया तो पाया गया कि कुत्तों की नस्ल भेड़ियों से ही निकली हुई है। यानी दसियों हजार वर्ष पहले प्राचीन मनुष्यों ने कुछ भेड़ियों को पालतू बना लिया था, जिनसे कुत्तों के वंश की शुरुआत हुई। वर्तमान में इनकी 38 उपप्रजातियां ज्ञात है। भेड़िये उत्कृष्ट शिकारी होते हैं और अधिकांश भेड़ियों का वजन लगभग 40 किलोग्राम होता है, लेकिन कनाडा में पाए जाने वाले भेड़िये का वजन 80 किलोग्राम तक पहुँच सकता है। वयस्क भेड़ियों के बड़े पैर होते हैं और एक पूरी तरह से विकसित भेड़िये का आकार लगभग 13 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़े पंजे के निशान होंगे। भेड़िये समूहों में रहते हैं और एक पैक कहलाते हैं, और एक पैक में दो भेड़ियों से लेकर 20 भेड़ियों तक हो सकते हैं, जो कि निवास और खाद्य आपूर्ति जैसे कारकों पर निर्भर करता है। भेड़िया मांसाहारी भोजन खाता है और अकेले शिकार करते समय भेड़िया गिलहरी, खरगोश, चूहे जैसे छोटे जानवरों को पकड़ते और खाते हैं। हालांकि भेड़ियों का एक पैक बहुत बड़े जानवरों जैसे कि हिरण, याक आदि का भी शिकार कर सकते हैं। भेड़ियों में चमड़ी की दो परतें, एक अंडरकोट और एक शीर्ष कोट होता है, जो उन्हें तापमान में शून्य से कम -40 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर जीवित रहने में मदद देती है। और एक भेड़िया पीछा करने के दौरान 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। भेड़ियों के लंबे पैर होते हैं और अपना ज्यादातर समय 12 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमते हैं, और वे घंटों तक एक उचित गति बनाए रख सकते हैं और एक रात में 90 किलोमीटर तक की दूरी तय करने के लिए जाने जाते हैं। भारतीय भेड़िया ग्रे वुल्फ की एक उपप्रजाति है, जो दक्षिण पश्चिम एशिया से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप तक पाए जाते हैं। वर्तमान में 2000 से 3000 भारतीय ग्रे भेड़िये मुख्यतः राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाए जाते हैं। भारतीय भेड़ियों को लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में भेड़िया की स्थिति ठीक नहीं है और हमें इन जानवरों के संरक्षण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। भेड़िया का वैज्ञानिक नाम केनिस ल्यूपस है। कुछ भेड़िये आर्कटिक जैसे ठंडे क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। दुनिया में भेड़िया की 3 प्रजातियां हैं, ग्रे वुल्फ, रेड वुल्फ और इथियोपियन वुल्फ। मैं भेड़िये के प्रति पक्षपाती हूँ, लेकिन अक्सर कूगर आमने सामने की लड़ाई में जीत जाएगा। भेड़िया के जीवन में एक अकेला भेड़िया होना सबसे कमजोर समय है। हालांकि भेड़िये आश्चर्यजनक रूप से अकेले शिकार करने में अधिक सक्षम हैं, लेकिन शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से इसका समर्थन करने के लिए इन्हें पैक के आसपास होना जरूरी है। एकांत लड़ाई में बिल्लियों को कुत्तों से बेहतर बनाता है। निश्चित ही एक पहाड़ी शेर एक दुर्जय शिकारी है, लेकिन इस प्रकार के टकरावों में भेड़िये कुछ शेरों को मारने में अधिक सक्षम है। लेकिन मानसिक रूप से यह एक बहुत ही डरावना विचार है। यहाँ एक भेड़िया पैक निश्चित रूप से एक शेर को मार देगा। कूगर एक ही समय में बैक अप करते समय पागलों की तरह घुर्राता है। कूगर के पंजे पकड़ के लिए बने होते हैं, काटने के लिए नहीं। वे पंजे के प्रहार से शिकार को नहीं मारते हैं, वे गले को काटकर और शिकार का दम घोटकर मारते हैं। कूगर और अधिकांश बिल्लियां सुपर लंबे नुकीले दांतों से गले को छेद देते हैं। वही भेड़ियों के पास शुद्ध दृढ़ जबड़े होते हैं, जो शिकार को कहीं से भी पकड़ सकते हैं। वे शिकार को घेर कर पकड़ते हैं और उसे फाड़ देते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि एक भेड़िया एक पहाड़ी शेर को मार सकता है, लेकिन आंकड़े तो कुछ अन्यथा कहते हैं। संक्षेप में कहे तो इनकी क्षमता का अनुमान हम इनके लिखे गए गुणों से लगा सकते हैं। कूगर या पुमा, वैज्ञानिक नाम प्यूमा कॉन्कलर,
निवास स्थान उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह सुदूर उत्तर में कनाडा के यूकोन इलाके से हजारों मील दूर दक्षिणी अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रृंखला तक विस्तृत है और पृथ्वी के पश्चिमी गोलार्ध में अन्य जंगली जानवर से बड़ा निवास क्षेत्र रखता है। लंबाई लगभग 8 फीट, ऊंचाई 60 से 90 सेंटीमीटर, पंजे का आकार 3 से 5 इंच तक चौड़े और लंबे, वजन लगभग 53 से 100 किलोग्राम, छलांग लगभग 5 मीटर से ऊंची और 6 से 12 मीटर से लंबी छलांग, रफत आर 55 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे, बाइट फोर्स 720 PSI। जबकि वुल्फ व्रिक या भेड़िया, वैज्ञानिक नाम केनिस ल्यूपस, निवास स्थान भारतीय भेड़िया ग्रे वुल्फ की एक उपप्रजाति है जो दक्षिण पश्चिम एशिया से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप तक पाए जाते हैं। वर्तमान में 2000 से 3000 भारतीय ग्रे भेड़िये मुख्यतः राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाए जाते हैं। लंबाई लगभग 6.5 फीट, ऊंचाई लगभग 80 से 85 सेंटीमीटर, पंजे का आकार 3 से 4 इंच चौड़े और 3.5 इंच से 4.5 इंच लंबे, वजन लगभग 40 से 80 किलोग्राम, छलांग लगभग 3.6 मीटर या 12 फीट, रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे, बाइट फोर्स 120 PSI। हालांकि इस तरह के मुठभेड़ दुर्लभ हैं। पहाड़ी शेर भी भेड़ियों के झुंड से सामना करने से बचते हैं। वे बेहतर हैं और केवल गंभीर जानवर जो एक पैक को धमकाते हैं वे बाघ और भालू हैं। वैसे भेड़िये की नस्ल पर निर्भर है कि वह कितनी देर तक एक कूगर के सामने टिकेगा। अगर यह एक ग्रे वुल्फ है तो अब यह सबसे बड़ा भेड़िया है। यहाँ सबसे अधिक संभावना है कि पहाड़ी शेर हार जाएगा। अगर प्यूमा के जबड़े भेड़िये के गले को पकड़ ले तो बात खत्म हो गई है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, तेंदुआ, जगुआर, शेर और बाघ के अलावा कोई भी बिल्ली और कुत्ते भूरे भेड़िये को एक लड़ाई में नहीं हरा सकते। ये चार महान बिल्लियाँ अपने आकार के लिए कहीं अधिक मजबूत और शक्तिशाली हैं। अतः कूगर और भेड़िये की अकेले लड़ाई में पुमा की जीत और हार उनकी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर करेगा। भेड़िये के झुंड से पुमा हार जाएगा। आपके अनुसार किसे जीतना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही पहाड़ी शेर की स्नो लेपर्ड, ब्लैक पेंथर, वुल्फ, जगुआर, ईगल, बनबिलाफ, एनाकोंडा, सामान्य कुत्ते, पिटबुल और लकड़बग्घा के सांस रोक देने वाले मुकाबले देखने के लिए इसी वीडियो का अगला पार्ट देखना न भूले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। We tried our best to provide correct facts and information, but the all information are collected from online sources, so please excuse us if you found any wrong information in the video, and comment us in the comment box about the information that you found not suitable. Thanks for watching our videos. हमने सही तथ्य और जानकारी प्रदान करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन सभी जानकारी ऑनलाइन स्रोतों से एकत्र की जाती है, इसलिए कृपया हमें क्षमा करें यदि आपको वीडियो में कोई गलत जानकारी मिली है, और हमें टिप्पणी बॉक्स में उस जानकारी के बारे में टिप्पणी करें जो आपको उपयुक्त नहीं लगी। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Disclaimer: Video is for educational purpose only. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Thanks for watching. देखिए ऐसा है कि शासन और प्रशासन की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। ये वीडियो सत्य और असत्य दोनों घटनाओं पे आधारित है। इस वीडियो के कुछ पात्र काल्पनिक हैं और कुछ वास्तविक हैं। इसे अपने खोपड़िया का यूज करके समझिए। इसमें यूज किए गए चटपटे वर्ड्स को फन में वीडियो को पूरा देख के लाइक और शेयर करके जाए, वरना पाप लग सकता है। और कमेंट बॉक्स में गुल्ला न करें, मजाक को मजाक की तरह लें और इंजॉय करें।